समाणा सिटी पुलिस वालों गुप्त सूचना मिलने ते दो व्यक्ति नूं एक जिहड़ा कि टेंपू दे विच चूरा पोस्ट लेके आ रहे थे मध्य प्रदेश तो नाकेबंदी के दौरान बंदा सिंह बहादुर चौंक दे विच सिटी पुलिस समाणा दे इंचार्ज बलवंत सिंह की टीम वालों काबू किया गया, जिन्हों तो 2 क्विंटल 40 किलो डोडे बरामद हुए हैं। इन्हां दे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, समाणा की अदालत से पेश किया जा रहा है। अदालत तो रिमांड की मांग भी करेगी। पुलिस अधिकारी ने यह भी दस्या कि इन्हां दे खिलाफ़ पहले भी इस तरह के नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। सुखबीर सिंह जी कहे पिंड बदनपुर जी कितों लिया जी एम पी तो जी जी बोलो इस तो पहले नहीं लेते हैं पहली बार ही लेते हैं ये कम क्यों करने लगे तुम हालात ही सर कुछ इदा दे घर के हालात ही इदा दे इस तरह के हालात है माड़े ही ने जी गरीब जी बूटा सिंह बूटा सिंह कहे पिंड जीमगढ़ एम पी तो एम पी तो जी कि ले गए जी इन्हों पता कि नहीं कल मिति 30/6/2022 मैनू इनफॉर्मेशन मिली सी सीक्रेट कि बूटा सिंह ते सुखबीर सिंह ते सोनू जो समाणा शहर के नेड़े तेड़े पिंडां दे रहण वाले ने ये भारी मात्रा दे विच चूरा पुक्की पोस्ट मध्य प्रदेश तो लैके अपने एरिए दे विच सप्लाई करन लई आ रहे ने ते इन्हां दे खिलाफ़ मैं मुकदमा नंबर 128 अंडर सैक्शन 1561 NDPS एक्ट कल ही दर्ज किया सीगा। तो इनफॉर्मेशन के आधार पर मैं नाकाबंदी करके बाबा बंदा सिंह बहादुर चौंक तो इन्हों ट्रक समेत गिरफ़्तार किया। इन्हों ट्रक 12 बोरिया चूरा पुक्की पोस्त हर एक बोरी में 20 किलो चूरा पुक्की पोस्त पाई गई सी गिरफ़्तार करके जनों को पेश अदालत किया जा रहा। हाँ जी पुलिस रिमांड लिया है। हाँ जी जी पहला सुखबीर सिंह PO हैगा प्रक्लेम डिफेंडर NDPS एक्ट केस जो चूरू राजस्थान की पुलिस को वॉन्टड है। दूजा बूटा सिंह तो अले पता कर रहे हैं, वैसे फिलहाल ये कोई परचा नहीं है बूटा सिंह। सोनू है जिहड़ा मौके तो फरार हो गया सी उहदे खिलाफ़ भी मुकदमे दर्ज। कैमरामैन BK गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।